क्या सर निकल गए सर, अभी सर बता नहीं बताएंगे, अभी कुछ नहीं बता सकते सर। बता सकते हैं सर कितने लोग सर अभी अंदर हैं? 5-7 लोग हैं। 5-7 लोग सर, कितने बजे सर आ गए सर? 7 बजे आगे सर। क्या सर अभी तक सर निकल गए सर? अभी जांच कर रहे हैं जी, अभी जांच कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दें आज भारत के तमाम जो राष्ट्रीय दल हैं, जो तमाम विपक्षी दल हैं, उनके ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है ईडी सीबीआई की। आपको बता दें इस समय मैं राजधानी लखनऊ के लाल कुआं क्षेत्र में हूं और लाल कुआं क्षेत्र में ये कार्यालय है राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी कार्यालय के जो अध्यक्ष हैं उनका ये मकान है। इस पर ईडी सीबीआई की सुबह से लगातार छापेमारी चल रही है। आपको बता दें इस आवास के अलावा कानपुर में 3 अन्य ठिकानों में समाजवादी पार्टी के नेता के 3 अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी लगातार चल रही है। आपको बता दें जो कार्यालय जो बात हो रही है, तमाम जो राष्ट्रीय दल हैं और जो तमाम जो विपक्षी दल हैं वहां पर लगातार ये छापेमारी ईडी सीबीआई की चल रही है। और दूसरी चीज़ ये जो मकान है ये राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं गोपाल राय उनका ये मकान है। बताया जा रहा है तमाम जो फंडिंग जो कलेक्ट हुई थी, जो अवैध जो फंडिंग कलेक्ट हुई थी एनजीओ के थ्रू और तमाम जो उनके जो तमाम जो अन्य जो संगठन चल रहे हैं उनके थ्रू, उसको चलते ये छापेमारी यहाँ पर चल रही है। आपको बता दें गोपाल राय के बारे में, गोपाल राय राजधानी लखनऊ में जो विश्वविद्यालय है, लखनऊ विश्वविद्यालय, उसकी छात्र राजनीति से भी जुड़े माने जा रहे हैं। वहाँ पर छात्र राजनीति में भी लगातार वो सक्रिय रहे हैं। इसके बाद आपको बता दें ये जो छापेमारी है इसके लिए तमाम जो विपक्षी दल हैं वो ये भी कयास लगा रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि 2024 में जो होने वाला जो चुनाव है उसकी लगातार भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। क्या ये आरोप जो लगा रहे विपक्षी दल ये सत्य हैं या फिर जो कार्रवाई जो ईडी सीबीआई की जो चल रही है अवैध धन इकट्ठा करने के चलते ये सत्य है, देखने वाली बात होगी। तब तक जुड़े रहें 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।